नमस्कार, मैं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न अमेरिका यूक्रेन और रशिया का विश्व में जो हो रहा है विकट प्रश्न उसके विषय हम अपना भविष्य कथन माननीय रशिया के राष्ट्रपति पुटिन की कुंडी और अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडन की कुंडी के द्वारा यूक्रेन की कुंडी के द्वारा आपके सामने हम रख रहे हैं ये हमारा तटस्थ निर्णय है हमारा किसी देश के साथ संबंध नहीं बनता मगर स्वार्थ का पर हम अपने भविष्य के ऊपर अटल रहते हैं हम अपने भविष्य के सिद्धांत से ही काम देते हैं उसमें हमारे लिए किसी का राग देश नहीं होता है हमारे लिए सब हमारे बंधु है ये बात अलग है जब ज्योतिष की बात आती है भविष्य तो हमें सत्य क्या कर रहा है इसलिए हम सत्य के पक्ष में ज्योतिष रहते हैं दुनिया उनको देख रही है कि क्या होगा तो इसमें भी तो देख रहे हैं हम कि अभी जो ग्रह चल रहे हैं वर्तमान काल में राहु भी जो है वो अनिश्चित प्रकार से काम कर रहा है और यहाँ पर देखने जाए तो रशिया के जो राष्ट्रपति है उनके पराक्रम साथ में मंगल है वो युद्ध को जानते हैं युद्ध की रचना करना जानते हैं जुग रचना करना जानते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उनको सहयोग लेना पड़ रहा है वो अकेला है और यहाँ पर सब बनकर कर, कर रहे हैं इसका क्या परिणाम आएगा ये दुनिया देखने के लिए बहुत तत्पर है तो इसलिए हम कहते हैं कि यूक्रेन की जो कुंडली है वो इस प्रकार से बदवाद नहीं है क्योंकि वहाँ पराक्रम का शान का स्वामी गुरु है वो सात्विक है वो रशिया का जो पराक्रम का स्वामी है मंगल है जो युद्ध का कारक है युद्ध में लड़ने की तैयारी रखता है और यूक्रेन की कुंडली में गुरु शांति कारक बन रहा है मगर उसके साथ में यूक्रेन की कुंडली में सूर्य ग्रह के साथ भाग्य आश्रम में पड़ा है इसलिए यूक्रेन की दशा दुर्दशा होने वाली है दोनों के लड़ाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने वाला है यूक्रेन का और इस तरह से दोनों पक्ष के अंदर शांति होने की कोई शक्यता नहीं है हमने जरूर होंगे क्योंकि शांति यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि पराक्रम का मंगल रशिया के पास पड़ा है वो भी बताता है कि नहीं क्या हूँ ये बताना चाहता है इसलिए ये युद, युद्ध के अंदर दुर्दशा यूक्रेन की होगी और बड़ी हानि होगी दूसरे देशों से जो सरकार वगैरह दिया है तो उनको भी कुछ क्षति होने वाली है उनकी भी दुर्दशा होने वाली है मगर रशिया को जो यश मिलने वाला है तो थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है ये हम ज्योतिष सिद्धांत से यहाँ पर भविष्य कथन कर रहे निवेदन कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र का निर्णय है हमारा निर्णय नहीं है ये विश्व के लोगों के पास रख रहा हूँ ये संकेत जो है ये ग्रहों का है ग्रह के कारण ये युद्ध होगा क्योंकि युद्ध होने का कारण भी है कि अभी का जो शनि जो है मकर का वो मकर का शनि युद्ध के लिए तैयार है इसलिए वो भी युद्ध के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रक्तपात होने का जो नियम है वो दुर्दशा होने का नियम है ये साथ में भौगोलिक परिस्थिति भी बिगड़ेगी इसके साथ में ये भी रखते हैं तो यहाँ हमारा ये भविष्य कथन ज्योतिष के आधार पर हम विश्व के पास रख रहे हैं